तहसील कांठ के गांव पैगंबरपुर सुखवासी लाल में मिला एक कोरोना पॉजिटिव मरीज, मचा हड़कंप। तहसील कांठ के गांव पैगंबर सुखवासी लाल में आज कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव मरीज मिला। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले छोटे नाम का व्यक्ति दिल्ली से आया था, जिसकी जांच निगरानी समिति ने जोर देकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाई थी। आज आई रिपोर्ट में छोटे पॉजिटिव पाया गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। गांव पैगंबरपुर को पूरी तरह से सील किया जा रहा है। तीन चार दिन पहले चार व्यक्तियों की सैंपलिंग सीएचसी कांठ में हुई थी, जिसमें छोटे पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा भेज दिया गया है। ग्राम प्रधान पुत्र श्री इमरान खान व खंड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार ने बताया कि गांव में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गांव को सात भागों में विभाजित कर दिया गया है और जरूरतमंद होने वाली सभी सामग्री होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। जी सर, ये पैगंबरपुर में जो आज कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, ये क्या स्थिति है पूरी? कोरोना पॉजिटिव ये दिल्ली से आया था, छोटे सनूप अब्दुल, इनके पूरा परिवार दिल्ली में रहता था। इनकी हमने सैंपलिंग कराई तो आज ये रिपोर्ट आई है अभी, तो ये पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चार सदस्य थे जो दिल्ली में रहते थे, सन्नो छोटे और आसमा डॉटरॉफ छोटे, नगमा डॉटरॉफ छोटे, बसीम डॉटरॉफ सनो छोटे, ये सब दिल्ली में रहते थे। वहाँ से अभी परसों आए थे, हमें पता चला तो स्वास्थ्य विभाग से हमने संपर्क किया, उसके बाद इनकी सैंपलिंग कराई, सैंपलिंग कराने पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब आगे की प्रक्रिया जैसी भी होगी, इनके परिवार का सभी का चेकअप कराया जाएगा, उसके बाद आपका कुछ कराया जाएगा। अच्छा, गांव का क्या करना, गांव सील हो रहा है? गांव तो हमने सात सेक्टर में डिवाइड कर दिया है, टोटल 693 परिवार हैं। सात सेक्टर में डिवाइड करने के बाद ड्यूटी प्रोवाइड जैसी भी होगी, होम डिलीवरी इनकी करवाई जाएगी। सब्जी वाले को कर दिया है, किराना स्टोर को कर दिया है, सबके मोबाइल नंबर सब जगह चस्पा करा दिए जाएंगे। गांव वाले कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए पूरा ध्यान रखा है। फिलहाल एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, अभी तो फिलहाल एक व्यक्ति है, उसके बाद जैसी भी जाँच होगी उसके बाद बताएंगे। जी प्रधान जी, ये बताइए पैगंबरपुर में जो आज कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, ये क्या मामला है? ये एक फैमिली है जो दिल्ली से आई थी, छोटे सन ऑफ अब्दुल, और इसके साथ में इसका पूरा परिवार है। तो अभी परसों दो दिन पहले या दो दिन पहले इनके सैंपलिंग हुई थी, इसके साथ में और अन्य व्यक्ति के भी हुए थे, चार के, एक कुल मिलाकर चार व्यक्ति थे, चार पाँच। तो तीन तो सब नेगेटिव आए, लेकिन इसकी जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और पॉजिटिव आने के बाद में जो सूचना मिली तो उसके बाद में जो सीलिंग का प्रोग्राम है और इसके जो पूरी परिवार फैमिली है उनकी सैंपलिंग होगी सबकी, और आस पड़ोस में यदि ये किसी से मिला है तो उसके भी जांच कराई जाएगी, उसके पता चला है उसको भी पता कराया जाएगा। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, लगातार हम तो फोकस रख रहे हैं और आप भी फोकस रख रहे हैं, और माननीय जो हमारे अधिकारी हैं जिले के और हमारी SDM महोदय, उनके आदेश और निर्देश का पालन करते हुए जितना भी है, जितना हमारे बस की हो सकता है, हम तैयार हैं गांव के लिए। और सीलिंग होगी, कुछ भी हो, कोई ज़रूरत पड़े किसी के लिए तो जो शासन की तरफ से आदेश होंगे, जिस नियम के हिसाब से हम उनकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। और दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला ये अल्लाह इस करे कि ये भी स्वस्थ हो जाए और हमारे गाँव का और व्यक्ति जो है सब स्वस्थ रहें। इससे हम घबराएंगे नहीं, इसका सामना करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। ये बीमारी है, इससे डरना नहीं है, गाँव वाले डरे नहीं, जो है एहतियात करें, और जो एहतियात बताइए उसका एहतियात का पालन करें, जो लॉकडाउन का पालन है और सही तरह से पालन करें। कोई व्यक्ति चोरी छिपके से गांव से बाहर ना निकले, यदि कोई इस तरह की घटना पाई गई तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए मैं माननीय महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से और हमारी SDM महोदय से अपील करना चाहूँगा कि उस पर कार्रवाई की जाए तुरंत। अच्छा, बाकी गाँव की सीलिंग, क्या ये सीलिंग की जा रही है? हाँ, सीलिंग की प्रोसीजर जो है प्रक्रिया जारी है। और जरूरतमंद चीज़ ये वो, ये इसका क्या मैं जरूरतमंद चीज़ों के लिए सचिव साहब ने और गांव के जो है, जैसे सब्जी की दुकान है और मेडिकल है और कुछ क्लिनिक्स हैं यहाँ पर जो डॉक्टर डिग्री होल्डर हैं, उनके लिए उनसे सचिव साहब से एडवाइस लेके उनके नाम लिख दिए गए हैं, जो मतलब खोलेंगे अपना क्लिनिक, हॉस्पिटल और मेडिकल, सब्जी और खाने राशन का सामान जो भी होगा, और यदि उसके अलावा हमारे लायक कोई सेवा है और हमें जागरूक होंगे उसके अंतर्गत रहकर हम पूरा कार्य करेंगे। तो जरूरतमंद को सामान पहुँचाना किस तरह से जो शासन प्रशासन के आदेश होगा उसी के अंतर्गत रहते हुए ये कार्य करेंगे, और आगे जो भी होगा देने कोई दिक्कत नहीं है। बस गांव वालों से कहते हैं कि डरे ना, हिम्मत से हौसले से काम लें और लॉकडाउन का सही तरह से पालन करें, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं। और ऐसा आंगनबाड़ी हमने कई बार कहा था कि बदतमीजी मत करना, बदतमीजी मत कीजिए, और आज ये आपसे अपील करते हैं कि कोरोना ही किसी से यारी नहीं है, ना किसी से दुश्मनी है, ना ये किसी से मतलब पूछेगा ना कैसेगा, और ये एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है तो इससे जो है डरे नहीं, इसकी जो है ट्रीटमेंट होगा और जो अल्लाह ईश्वर करेगा इंशाल्लाह ये ठीक हो जाए और भी लोग जो है स्वस्थ रहेंगे।